इंदौर में पुलिस के द्वारा नशे के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है और इसी के तहत नाबालिग बच्चों की शिकायत के आधार पर यहां पर मल्हारगंज पुलिस के द्वारा आंटी नामक एक महिला को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल कर ली गई है, जिसके पास से अवैध मादक पदार्थ भी जब्त किया गया है। पूरे मामले में जानकारी देते हुए DCP विनोद मीणा के द्वारा बताया गया कि पुलिस को लगातार सूचना मिल रही थी कि क्षेत्र में महिला के द्वारा अवैध रूप से नशे का कारोबार किया जा रहा है। कई युवाओं को इस अवैध रूप से यह सप्लाई भी करती है। सूचना के आधार पर यहां पर दबिश देते हुए आंटी नाम से फेमस एक महिला के पास से 11 ग्राम मादक पदार्थ जब्त कर लिया गया है, जिसकी कीमत 1 लाख रुपये बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि जब भी पुलिस महिला को पकड़ने जाती थी तो वह फरार हो जाया करती थी, लेकिन इस बार घेराबंदी करने के बाद उसे गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल पुलिस अवैध मादक पदार्थों को लेकर महिला से लगातार पूछताछ कर रही है। देखिए, जैसे कि आप सभी को पता है, हमारे द्वारा ड्रग्स पर निरंतर कार्रवाई की जाती है। उसी अनुक्रम में हमें कुछ नाबालिग बच्चे मिले थे जो सुलोचन का सेवन करके नशा करते थे, तो उन्हीं की लीड पर से जब उनसे पूछताछ की गई तो उनके द्वारा कुछ लोगों के नाम बताए गए कि इनके द्वारा शहर में नशा बच्चों को सप्लाई किया जाता है। तो उसी के तहत हमने इनको इंटरसेप्ट करके इनके घर की जब तलाश ली तो इनसे कुल हमें 11 ग्राम के आसपास ब्राउन शुगर भी मिला है, और इसके अलावा हमें कुछ और भी नाम मिले हैं जो नाबालिग बच्चों को ड्रग्स वगैरह बेचते हैं। तो सभी पे इन्वेस्टिगेशन के बाद कार्रवाई की जाएगी। सर, ऐसा बताया जा रहा है कि महिला ने फिल्म रिलीज देखी थी, उसमें जिस तरह से अभिनेता के द्वारा करवाया जाता था, उसी तरह से ये भी प्लान कर रही है। देखिए, सोर्स ऑफ मोटिवेशन तो कुछ भी हो सकता है, किंतु ये डेफिनेटली फैक्ट है कि इनके द्वारा जो नाबालिग बच्चे होते हैं, कम उम्र के बच्चे होते हैं, उनको नशा सप्लाई किया जाता है, कराया जाता था, जिसके फलस्वरूप जब हमने बच्चों से पूछताछ की थी तो उनके द्वारा ना केवल इनके अलावा कि 2-3 लोगों के और भी नाम बताए हैं जिनको अभी भी पुलिस इंटरसेप्ट कर रही है और जल्द उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। सर, कहाँ से लाते हैं? देखिए, ये अभी चूँकि महिला को हमने कल ही पकड़ा है, आज उनका हम PR लेंगे और तत्पश्चात उनके द्वारा कुछ एक दो जगह के नाम बताएं, बट पुख्ता तौर पर PR के बाद इंटरोगेशन में और क्लियर होगा कि कहां से लाएं। ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें JSR Times और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।